अपनी तैयारी है और कैसे सौगातें देना है इसकी इसको लेकर भी तैयारी है, तो विपक्ष के अपने अलग मुद्दे हैं जिनको लेकर यह गूंज जो है सुनाई दे सकती है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सत्र के पहले दिन सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। बलौदा बाजार हिंसा पर स्थगन प्रस्ताव भी विपक्ष लाएगा। 26 जुलाई तक विधानसभा का मॉनसून सत्र चला है। सरकार अनुपूरक बजट भी अपना पेश करेगी। और चलिए भोपाल से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आज आपको बता दें भोपाल संभाग की बैठक करने वाले हैं भोपाल संभाग की जीतू पटवारी। संगठन को मजबूत करने के लिए ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, तो लगातार देख रहे हैं बैठकों का दौर जारी है। जिला प्रभारी और लोकसभा प्रत्याशी भी इस बैठक में शामिल होंगे। एमपी कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता नीलम जुड़ चुकी हैं। नीलम, देखिए लोकसभा चुनाव में जिस तरह से करारी हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को, उसके बाद लगातार सक्रिय नजर आ रही है, एक के बाद एक बैठकें। और अब बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बीजेपी में हमने देखा मंथन किया गया, संभाग स्तरीय बैठकों का आयोजन हुआ, अब कांग्रेस भी उसी राह पर चलती हुई नजर आ रही है। संभाग स्तरीय बैठक और आज भोपाल संभाग को लेकर किस तरह से बैठक होगी है? जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही जो है हर एक स्तर पर कांग्रेस खुद को अब मजबूत करने में जुट गई है। हमने देखा था कि पहले भी जो है कई बड़े बैठकें हुई थी, शनिवार को भी जो है पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई, और आज जो है आज से अगर हम बात करें तो संभागवार बैठक होने जा रही है जिसे जो है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी लीड करेंगे। आज जो है सुबह 11 बजे सबसे पहले भोपाल संभाग की बैठक होगी, जिसमें कि भोपाल संभाग के जिले भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ जो है इन तमाम जिलों के जो जिला अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, वो शामिल होंगे। साथ ही साथ इन संभाग के तहत आने वाली लोकसभा सीटों के जो प्रत्याशी हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। किस तरह से जो है अब निचले स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जा सकता है, कहां पर क्या कमियां हैं, क्या शिकायतें हैं, कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है, और एक बार फिर से पार्टी को किस तरह से संगठित किया जा सकता है, इन तमाम बातों को लेकर के जो है मंथन किया जाएगा। कांग्रेस जो है जल्द से जल्द अपनी एक नई टीम की घोषणा भी कर सकती है। उस नई टीम के बारे में कार्यकर्ताओं की और जो दूसरे पदाधिकारी है उनकी राय भी जो है यहाँ पर इस बैठक में ली जाएगी, और एक नई टीम को एक मजबूती के साथ जो है जीतू पटवारी जो है लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये देखने को मिला था कि लगातार जो है तमाम तरह की शिकायतें कार्यकर्ता और पदाधिकारी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को लेकर कर रहे थे कि वो समन्वय नहीं करते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, तो उस शिकायतों को दूर करने के लिए जो है ये बैठकें की जा रही है। आज भोपाल संभाग की बैठक होगी, वहीं मंगलवार को यानी कि कल जो है नर्मदापुरम संभाग की बैठक बुलाई गई है, और हर एक दिन जो है इसी तरह से मध्य प्रदेश के जो तमाम संभाग है उनकी बैठकें होगी, और कहां कमियां रही हैं उन्हें किस तरह से दूर किया जा सकता है, अब भी क्या कोई नाराजगी दिखाई दे रही है, पार्टी में जो फूट हुई थी उसका जो डैमेज कंट्रोल है वो अब किस तरह से किया जा सकता है, इन तमाम बातों पर जो है मंथन किया जाएगा। जी शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे।